ओके ठीक है, आप गाड़ी में रख दो इसको डायरेक्ट। थैंक यू सो मच यार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइज, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे हाथ में लगी है चोट और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं, या तो सोते टाइम ये मुड़ा है या कुछ हुआ है, बट यहाँ पूरे में स्वेलिंग है और ये मुड़ नहीं रहा है। और जैसे थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं अपने 1 मिलियन का और जितनी भी सक्सेस मुझे लाइफ में छोटी छोटी मिल रही है उनको मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ स्पेशल बच्चों के साथ, क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। कि मैं गाड़ी में बैठकर पिज्ज़ा खा रही थी तो एक छोटी सी बच्ची आई, उसने मुझे बोला कि ये क्या है, तो मैंने बोला पिज्ज़ा, तो उसने बोला मुझे दे दो, मैंने बोला ये तो झूठा है, उसने बोला झूठा ही दे दो। तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, अरे मतलब इसके जैसे कितने ही बच्चे होंगे जो पिज्ज़ा खाना चाहते होंगे, तो क्यों ना आज उन बच्चों के साथ करते हैं पिज्ज़ा पार्टी और नूडल्स की पार्टी। तो मैं आज उन सबके साथ अपना ये सेलिब्रेशन करने जाऊंगी और उन सबको पिज्ज़ा और नूडल्स खिलाऊंगी। और पिज्ज़ा और नूडल्स जहाँ से मैंने मंगवाए हैं वो भी आपको बता दूंगी, क्योंकि उन लोगों का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट है इसमें। उनको मैंने बताया मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं इतने सारे पैक्स नहीं बना सकती हूँ, तो मुझे इस तरीके से चाहिए सब कुछ कि मैं ईजिली उनको दे पाऊँ। तो उन्होंने नूडल्स वालों ने स्पेशली बॉक्सेस में पैक कर करके हमारे लिए नूडल्स भेजे, और पिज्ज़ा वालों ने भी मॉन्स्टर पिज्ज़ा था जो मैं उन बच्चों को खिलाना चाहती थी, लेकिन जब मेरे हाथ में मैंने देखा कि चोट लग गई है, मैं कैसे मॉन्स्टर पिज्ज़ा के स्लाइसेस करूँगी, साहिल भी अकेले कितना ही कर पाते, तो उनको मैंने बोला कि आप प्लीज़ उनके लिए स्पेशल मॉन्स्टर पिज्ज़ा के ही छोटे बॉक्सेस बनाओ, जिससे कि मुझे उनको मिनी पिज्ज़ा नहीं खिलाना था, मुझे उन्हें मॉन्स्टर पिज्ज़ा ही खिलाना था, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अभी चलते हैं उन बच्चों के पास और उनको खिलाते हैं पिज्ज़ा और नूडल्स, और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। और मैं ये वीडियोस बनाना इसलिए नहीं, कई कमेंट आते हैं कि दी इतनी शॉपिंग करती हो, डोनेट किया करो, तो देखो मेरी मम्मा हमेशा ये कहती है दान हमेशा छुप के करना चाहिए, कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे इस चीज़ से शायद कुछ लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि शायद हम अच्छा काम नहीं करते हैं सिर्फ शॉपिंग करते हैं, तो उनके लिए ये एक छोटा सा मैसेज है कि यार मैं बहुत कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाती हूँ। साहिल और मैं दोनों बहुत खुश होते हैं ऐसी चीज़ें करके, तो हम मोस्टली वीडियोस नहीं बनाते, बट आज मैं बनाऊंगी और अच्छे से बनाऊंगी, खुश होके बनाऊंगी, और जितने लोग भी मोटिवेट होंगे वो भी ऐसा करना। तो अभी चलो और मेरा हाथ जल्दी ठीक करवाओ यार गाइस, बहुत बहुत दर्द हो जाएगा आपका जल्दी ठीक अब। सो गाइज, जो मैंने पिज्ज़ाज मंगाया वो आप देख ही रहे होंगे कि इतने सारे बॉक्सेज हैं, हमारी गाड़ी में इतने ही आए और आ नहीं पाए थे। ये मैंने मंगाया ला मिलानो से, इसका आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा वो मॉन्स्टर पिज़्ज़ा, जिसने नहीं खाया है वो ऑर्डर ज़रूर करना, क्योंकि मैं और साहिल तो हमेशा पार्टीज़ में इन्हीं लोगों से ये मंगाते हैं, बहुत टेस्टी खाना है इनका, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। और नूडल्स मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से मंगवाए हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल जगह से आए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल। इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे नूडल्स पैक कराए हैं, 100 बॉक्स होंगे आई गेस, और ये मैंने मंगाया है। एक और थैंक यू फॉर चूजिंग, ये आपको याद होगा जहाँ पे जो स्टाफ था वो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, और वो वहाँ पे इतना टेस्टी खाना बनाता है, तो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे इनवाइट किया था, और इस बार फिर से मैं खुद से जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने ये नूडल्स मंगाए हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे उनसे, स्पेशली थैंक यू बोलने जाऊंगी। और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो बस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उन बच्चों के पास चलते हैं। चलो, मुझे काफी छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए हैं, तो पहले मैं इन्हीं से शुरुआत करूंगी पिज्जा और नूडल्स देने की, और ये खुश भी हो रहे हैं। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सोने ता उंज लोग बथेरे हुंदे ने, जिन्हां नूं तकिए ते तकदे रह जाइए, दुनिया ते कुछ खास ही चेहरे हुंदे ने। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमिया, सुने ता उंज लोग बथेरे हुंदे ने। शोहरत इज्जत ममीरी ताकता, मैं उधर जाती हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, शायद उसका भाई हो गए यार। गाइस, हम जहाँ भी गाड़ी रोक रहे हैं ना, दो तीन जगह तो ऐसे हुआ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, और इतने बच्चे मतलब मेरे हाथ में बहुत दर्द था, तो मैंने बोला साहिल को गाड़ी नहीं बैठ के दे देती हूँ।
सब तो महंगी दिए मासूमियां सोने तांज लो बथेरे हुंदे ने एस तो ज्यादा होर दसो की हो सकदे कुदरत ने वो एक छोटा बच्चा भी आ रहा है बाहर निकल के देना क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ पार्टी करनी थी लेकिन फिर वो बड़े बच्चे भी आ रहे हैं तो सबको ही देना है मुझे और मैं अभी पिज्जा ही बांट रही हूँ नूडल्स तो मेरे रहे ही हैं अभी और भी बच्चे हैं मैं चाहती हूँ सबको दे पाऊँ कोई भी ऐसा ना रहे यहाँ पे जो भी पिज्जा खाना चाहता है जाइए दुनिया ते कुछ खास ही चेहरे हुंदे ने सब तो महंगी हुंदी है मासूमियां सोने ताउंज लोग बथेरे हुंदे ने जिन्हानू तकिये ते तक दे रह जाइए दुनिया ते कुछ खास चेहरे हुंदे ने सब तो महंगी हुंदी है मासूमियां सुने ताउंज लोग बथेरे हुंदे ने शोहरत इज्जत ममीरी ताकता ए कम रब ते होर वजीर भी कर देंदे जिन्ना दे चेहरे विच खिच जई हुंदी ए रब ने आप केरे हुंदे ने सब तो महंगी हुंदी है मासूमियां सोने तांज लो बथेरे हुंदे ने एस तो ज्यादा होर दसो की हो सकदे कुदरत ने भी तार नाल जोड़े ने ए जे हुण दास्तां नेरे हो जांदे हल्का जिहा मुस्कान सवेरे हुंदे ने सब तो महंगी हुंदी है मासूमियां सोने तांज लो So guys, बाहर बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और हमारे नूडल्स और पिज्जा अभी भी बाकी है भगवान जी की कृपा है कि जितने लोग भी हमें मिले कि हम सबको डबल डबल भी दे रहे हैं तो भी खत्म नहीं हो रहे हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा बस भगवान हमें इतना काबिल बनाए कि मैं बोलना नहीं चाहती बट मैं इससे भी ट्रिपल ऐसे कर पाऊँ पिज्जा पार्टी नूडल पार्टी जो उनको चाहिए वो सब दे पाऊँ है ना तो बट अभी और भी देख रहे हैं आगे कहीं और बच्चे भी हमें पता है जहाँ पे होते हैं जहाँ जहाँ हमें मेन मेन रेड लाइट पे बच्चे दिखते थे मेन तो वही जा रहे हैं एक बच्चा दिखता है पता नहीं बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं फिर लगता है कि यार मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है बहुत बच्चे ऐसे हैं एक चीज और लाई थी जो मैं अपनी जो फेवरेट चीजें थी वही लाई थी मेरा गार्लिक ब्रेड जो मैं हमेशा खाती रहती हूँ वो भी मैंने पिज्जा के साथ कराया था तो एक बच्चे ने खा के ऐसे बोला बहुत टेस्टी है तो मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा बट अभी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है बट शायद रुक जाए भगवान जी रोक दो अभी हमारे रहती है अंधेरा है पीछे दिखा नहीं सुने ताउंज लो बारिश हो रही है गाइस हद से ज्यादा बारिश हो गई है हद से ज्यादा लेकिन अभी भी नूडल्स रहते हैं अभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे पूरा आगे ढूंढेंगे बच्चे और ये सब देकर जाएंगे चेहरे विच खिच जई हुंदी है ओ ता रब ने आप केरे हुंदे ने सब तो महंगी हुंदी है मासूम ठीक है कर लेते हैं ना
सोने तांज लोग बथेरे हुंदे ने। ऐस तो ज्यादा होर दसो की हो सकदे कुदरत। सो गाइस, जो भी सब कुछ था, जो पार्टी मुझे करनी थी वो मैंने कर ली, और बारिश हो गई तो और भी मज़ा आ गया क्योंकि बारिश में पार्टी करी है हमने। तो सब बच्चों को पिज्ज़ा बहुत पसंद आया, नूडल्स बहुत पसंद आए। आगे कोशिश करूँगी कुछ और लेकर जाऊँ, और जो मेरा सेलिब्रेशन था कुछ ऐसा ही था, मेरे 1 मिलियन कम्प्लीट होने का। और इस हैंड में जो पेन है वो अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे ये लाना पड़ा, और उन्होंने कुछ मुझे पेन किलर भी दिया है कि नाइट में, ताकि मैं सो पाऊँ। बट कल इसको डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर उन्होंने बोला एक्सरे करना है तो एक्सरे करेंगे। ये देखो, इसको देखो, वेरी गुड। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा सिंपल सा सेलिब्रेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलती हूँ आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। थोड़ा सा ये बताना था कि जो वो जिस गर्ल को मैं खाना खिला रही थी वो खा नहीं सकती थी क्योंकि वो डिसेबल्ड चाइल्ड थी, बट वो सीरियसली बहुत स्पेशल थी। और उसके डैड उसके साथ ही रहते हैं 24 घंटे, उन्होंने बताया। जो उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, मतलब वो दोनों लेटे हुए थे ना, वो उसके डैड थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको खिलाओगे तो ही ये खाएगी, अपने हाथ से खा नहीं सकती। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मैं फिर वो ये इमोशनल हो गई थी। बट कोई नहीं, आप लोग भी कुछ ऐसा अच्छा काम करना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मिलता है।